The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education, welcome back. Dosto, aaj hum baat karenge ek aur topic pe. Aaj ka topic hai quarantine constipation. क्या चीज है ये क्वारंटाइन कॉन्स्टिपेशन? कोरोना वायरस का क्या एक और कोई रूप है, कोई एक और सिम्टम है? जी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है. और उससे डील कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे. दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज़ है. कोरोना के वजह से आपकी जीवन शैली बदली है. अब आप अपने काम पे जाने की जगह घर पे बैठे हैं. कई लोग उसके चलते घर में आलसी हो जाते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है. और ऐसे चलते में आपके डे टू डे लाइफ चलते हुए आपकी बॉडी के अंदर आपके हैबिट्स चेंज होने के साथ साथ लक्षण भी चेंज होते हैं. आपकी टॉयलेट हैबिट्स चेंज होती हैं और सबसे बड़ा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी. जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं क्वारंटाइन कॉन्स्टिपेशन. सो अगर आपको ये कभी नहीं हुआ पहले कॉन्स्टिपेशन, तो इस पैंडेमिक में, इस क्वारंटाइन में आपको लग सकता है यार ये पता नहीं मेरा पेट क्यों खराब रहता है, राइट? मेरे स्टूल्स क्यों हार्ड रहते हैं, मोशन क्यों इतनी हार्ड आ रही है और ताकत क्यों लगानी पड़ रही है. सो ऑल दीज आर साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन विच कैन बी सीन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ क्वारंटाइन. और यहाँ पर यह भी होता है कई बार कि आपका स्टूल जो है एक बार में ना निकले, एक से ज़्यादा बार आपको जाना पड़े, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस. और समटाइम्स कई लोग इसको कॉन्स्टिपेशन को, क्वारंटाइन कॉन्स्टिपेशन को IBS-C के साथ कन्फ्यूज कर सकते हैं. IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड IBS-C इज द कॉन्स्टिपेशन पार्ट ऑफ IBS. IBS के दो पार्ट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया. सो उस केस में कभी बीच बीच में डायरिया आता है, बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन, ऐसा भी हो सकता है. और किसी को सिर्फ सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ सिर्फ डायरिया. सो कॉन्स्टिपेशन कैन बी बिकॉज ऑफ IBS एंड एज वेल एज बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी. तो एक क्वारंटाइन के केस में, लॉकडाउन के केस में द प्रॉब्लम इज वन बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, सेकेंड बिकॉज ऑफ सर्केडियन रिदम. एक नेचुरल क्लॉक होती है आपकी बॉडी में जिसको हम एक नेचुरल सर्केडियन रिदम बोलते हैं. नेचुरल प्रोसेस है आपके ब्रेन का रेगुलेट करने का, वेक अप साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, जिसमें हमारा 24 आवर का रिदम होता है और अपने कोलोन का, मोशंस का भी अपना खुद का रिदम होता है. तो आप अपने रिदम को सेट कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि आज तक आप एक ही टाइम पे उठे थे, एक ही टाइम पे कार में बैठे, या बस में जाना था, या कॉलेज जाना था, या ऑफिस जाना था, और उसी में ब्रेक टाइम है, उसी में नहीं शाम को आना है, फिर खाना एक ही टाइम था, अब वो एक ही टाइम नहीं रह गया, अब सारा टाइम इधर उधर हो गया है. अब इतना इधर उधर टाइम हो गया है कि मोशन का टाइम अलग है, खाने का टाइम अलग है, उठते कभी भी हैं. सो अब बिकॉज ऑफ दिस, प्लस इन एडिशन टू दिस, लो फिजिकल एक्टिविटी, कभी कभी रात भर टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, पुअर स्लीप, ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है क्योंकि पहले जंक फूड खा रहे थे, अब ज़्यादा फाइबर खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं. सो दैट कैन ऑल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन. कोई लोग पानी नहीं पी रहे, कोई पानी पी रहा है. सो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. सो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ों की वजह से आपको, प्लस हो सकता है आप कभी कभी बहुत ज़्यादा खा रहे हो घर में बैठे बैठे, कुछ लोग हो सकता है खा ही नहीं रहे हो घर में बैठे बैठे. सो अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर देयर विच कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. सो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा, कब्ज कॉन्स्टिपेशन, वो इस वजह से हो सकता है. सो आप क्या कर सकते हैं, वॉट टू डू अबाउट दिस? नंबर वन थिंग विच यू कैन डू इज गेट एक्टिव. उठो, एक्टिविटी करो, घर के काम करो, घर में काम, हाथ बटाओ, राइट? यस, झाड़ू मारो, बर्तन मांजो, पोछा करो, जो आपको सही लगता है करो, जो नहीं लगता है बच्चे संभालो, कुछ तो करो, डू. और अगर ये सब काम नहीं है तो अपने हेल्थ पे, अपनी अपनी बॉडी पे, अपने फिजिकल एक्टिविटी पे काम करो, राइट? जितना काम करोगे उतना अच्छा. गेट एक्टिव, होम वर्कआउट करिए, ब्रिस्क वॉक बालकनी में, टेरेस में, लॉन में, बेडरूम में, डजंट मैटर, राइट? अपना गाना लगाइए, डांस करिए, कुछ भी करिए. मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करना है आपको, पूरे दिन में 20 मिनट, 30 मिनट, 20 टू 30 मिनट्स, मतलब पूरे
एक हफ्ते में 2.5 घंटा मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, तो इससे अपने आप में आपका कॉन्स्टिपेशन आएगा ही नहीं. तो रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन स्टेप नंबर 1 इज फिजिकल एक्टिविटी फॉर 2.5 आवर्स इन अ वीक. सेकेंड थिंग जो आप करोगे दैट इज योर वॉच योर फूड. आपको खाना इस हिसाब से खाना है कि बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्नैक्स ना खाएं, और एक ही बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबा चबा के खाएं. इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है. चिप्स विप्स आपने भर लिए घर में तो वो बहुत गलत बात है, राइट. तो ऐसे स्नैक्स और पैकेट से भरी हुई चीज़ें ना खाएं, राइट. जितने हो सके ओरिजिनल घर में पकी हुई चीज़ खाएं. नई जो फैक्ट्री से निकली हुई चीज़ें हार्मफुल होती है, राइट. फाइबर ज़्यादा खाएं कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए. वेजिटेबल्स है, सैलेड है. सैलेड को थोड़ा सा आप सूप बना के पी सकते हैं. इंस्टेड ऑफ सेम प्योर सैलेड आप सूप बनाएं या छील के सैलेड बना लें, जो भी गाजर मूली है, समथिंग लाइक दैट. और फाइबर के साथ पानी बहुत ज़रूरी है. पानी अपने बढ़ा के रखें. 3 से 4 लीटर पानी चाहिए अगर आप बहुत फिजिकल एक्टिव है, या 2 से 3 लीटर इज़ मिनिमम. कई लोग सिर्फ 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास पीते हैं. आपको 8 से 12 गिलास पानी पीना है पूरे दिन में, 8 to 12, ठीक. सो पानी हो गया, फाइबर हो गया, एक्सरसाइज होगी, वर्कआउट हो गया. उसके अलावा अगर फिर भी आप इन सब चीज़ों से नहीं कर पाए तो आप नेचुरल लैक्सेटिव ले सकते हैं. नेचुरल लैक्सेटिव्स और जैसे कि फ्रूट्स, केला, पपीता, बहुत सारे फ्रूट्स, बल्कि सारे फ्रूट्स में थोड़ा बहुत लैक्सेटिव एक्टिविटी होती है, और फाइबर में भी लैक्सेटिव एक्टिविटी. फाइबर के लिए आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, दाल रोटी खाओ, दाल, लेग्यूम्स, नट्स, ब्रान, कोई भी चीज़ फाइबर में आ जाएगी, ओट्स फाइबर में आ जाएंगे. सो हाई फाइबर फूड खाइए, पानी खूब सारा पीजिए. पानी नहीं पिया जा रहा तो लेमन वाटर ले लीजिए, खीरा खा सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, सोडा ले सकते हो, ये सब चीज़ें लीजिए और कुछ नहीं. और अगर फिर भी आपको दिक्कत लग रही है तो फिर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर से. ऑनलाइन कंसल्टेशन के ऑप्शन अभी भी खुले हैं. डॉक्टर्स के क्लिनिक चाहे बंद हो चाहे खुले, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए. बहुत सिंपल सिंपल मेडिसिन आती हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन डायग्नोस करना ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन यानी IBS तो नहीं है. IBS बेसिकली आपके ब्रेन और अपने गट का कनेक्शन होता है. आपका इंटेस्टाइन आपके अथड़ियों का आपके ब्रेन से कनेक्शन होता है. सुना होगा आपने, बच्चों को डरा देते हैं तो बच्चों के मोशन निकल जाते हैं. आपने ये भी सुना होगा कि एग्जाम आते ही पेट खराब होने लग जाता है. सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ कि ये बताते हैं कि देर इज अ माइंड एंड गट कनेक्शन. और ये बहुत स्ट्रांग होता है कुछ लोगों में. कुछ लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है एक आधे टाइफॉइड के या पेट के किसी इन्फेक्शन के बाद, पेट के ऑपरेशन के बाद, या वैसे ही किसी का बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है. ऐसे में जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं या तो इंटेस्टाइन की जो मोशन है, मोटिलिटी है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मोशन बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशंस, वो या तो बहुत तेज हो जाते हैं तो खाना जो है एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब हो नहीं पाता, घप 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 आगे चला जाता है, लूज मोशन, डायरिया हो जाता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायरिया IBS-D. और या तो वो बहुत स्लो जो मोशन है वो बहुत स्लो हो जाता है, सो वो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल्स जो है अलग अलग और हार्ड आते हैं, IBS-C. सो IBS को भी डायग्नोस करना ज़रूरी होता है. तो स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है. थोड़ा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी एक्सरसाइज, 8 घंटे की नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद. हंसना ज़रूरी है, गलत डरना नहीं है. उल्टी सीधी न्यूज़ चैनल या कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देखेंगे चलेगा, सिर्फ न्यूज़ हाईलाइट देखिए बहुत है. और इन सब बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन का निवारण हो जाएगा. किसी प्रकार के घर का घरगुती इलाज काम कर सकता है. कोई चूर्ण वूरण आप लेते हैं उससे आराम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है. याद रखिए, अगर आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है तो वो आपको पाइल्स, फिशर जैसी बीमारियों पैदा कर सकता है. तो बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाइए. अगर मोशन खुद से नहीं हो रहा तो डॉक्टर से बात करिए. यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर ऑनलाइन. टू कंसल्ट मी, यू नो अपने नंबर आता रहता है आपके स्क्रीन पे, 7827570775, ओनली ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, कीप शेयरिंग द वीडियोज़.